मंत्री बीडी कल्ला से खास बातचीत की सहयोगी डिंपल शर्मा ने, आप भी सुनिए। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। ऐसे में अगर बात करें शिक्षा विभाग की, तो बीते 3 साल में शिक्षा विभाग में भी कई काम हुए। कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे जो स्कूली शिक्षा से भी जुड़े थे, जनता से भी जुड़े थे और शिक्षकों से भी जुड़े थे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर, और आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगी। 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है सरकार का। सबसे पहला सवाल मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगी सर, कि बीते 3 साल के कामकाज को, शिक्षा विभाग के कामकाज की अगर बात करें, तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या खोया, क्या पाया शिक्षा जगत में? शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खुले। नवीन प्राथमिक विद्यालय खुलने के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों को उस प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया, उस प्राथमिक विद्यालयों को सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया, और सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए, जिससे राजस्थान के शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत बढ़ गया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार हमने 2 प्रकार की क्लासेस शुरू की, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। ऑफलाइन क्लासेज में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वो ऑफलाइन क्लासेज में भेज सकते हैं। ऑनलाइन क्लास यानी वर्चुअली पढ़ाना चाहते हैं वो घर पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये सुविधा पहले नहीं थी, ये सुविधा शिक्षा विभाग ने नई प्रारंभ की है। इसके अलावा कई नवाचार किए, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने शिक्षा विभाग को पुरस्कृत भी किया। जहाँ तक शिक्षा विभाग का सवाल है, आने वाले समय में मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि एक तो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसको हम बहुत इफ़ेक्टिव बनाएंगे, और उसके अंतर्गत ये कोशिश करेंगे कि जैसे प्राइवेट मैनेजमेंट जिस तरह से अपनी स्कूल का संचालन करता है, उसी तरीके से हम उसको हर महीने उसकी मीटिंग हो, और प्रबंध समिति अपने तई उस स्कूल के ओवरऑल डेवलपमेंट का 25 साल का मास्टर प्लान बनाए, और उसमें ये देखे कि कक्षा कमरों की कमी है तो कक्षा कमरे बनाए जाएं, लैब्स की कमी है तो लैब बनाई जाए, पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी है तो पुस्तकालय को सुदृढ़ किया जाए, सुविधाओं की बच्चों की कमी है तो सुविधाओं का निर्माण किया जाए। इस प्रकार से जहाँ तक उसके ओवरऑल डेवलपमेंट का सवाल है, हर तरीके से डेवलपमेंट भी किया जाएगा और गुणात्मक सुधार किया जाएगा, और स्कूलों का सरकार की तरफ से, भामाशाहों की तरफ से, और जो एल्यूमिनाई हैं उस विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, इन तीनों के माध्यम से उसका एक मास्टर प्लान बना करके डेवलपमेंट किया जाएगा। सर, एक अभी आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात की, अगर जैसे अगर पढ़ाई की बात करी, एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है, कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, हम सभी जानते हैं। अगर ऐसे में स्थिति दोबारा से ऐसी कोई आ जाती है सामने, क्योंकि देखा गया कि पिछले लॉकडाउन में भी ऐसी स्थितियाँ देखी गई जहाँ पर ऑनलाइन बच्चों ने, कुछ प्रतिशत बच्चों ने तो पढ़ाई ही नहीं की, कुछ जो ड्रॉप आउट भी जिसकी वजह से ज़्यादा हुए, ऑनलाइन बच्चे नहीं पढ़ पाए क्योंकि परिवार में एक मुखिया के पास फ़ोन होने की वजह से, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें वहाँ पर भी बच्चों के पास फ़ोन नहीं था, ऑनलाइन पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आई, तो आगे अगर ऐसी किसी कोई परेशानी आती है या कोरोना के ही चक्कर में अगर दोबारा ऐसी स्थितियां बनती है तो क्या होगा कि दोनों को सामान्य संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को, गृह विभाग को और स्वास्थ्य विभाग को, इन सबको सुनकर एक रास्ता निकाला है कि दोनों प्रकार की क्लासेस जारी रहेंगी। जिस स्कूल में कोरोना के पॉजिटिव बच्चे पाए जाएंगे उसको 14 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। स्कूल के समय में जो भी बच्चे आएंगे मास्क लगा के आएंगे। प्रार्थना सभा सामूहिक रूप से नहीं होगी, वो क्लासरूम में होगी, और भोजनावकाश में भी बच्चे सामूहिक रूप से बैठ के भोजन नहीं करेंगे, अलग अलग फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए बैठकर काम करेंगे। और कुल मिलाकर के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस जब शुरू कर दी गई हैं, तो उसमें अभिभावक चाहें तो ऑनलाइन पढ़ा लें और अभिभावक चाहें तो ऑफलाइन पढ़ा लें, ये छूट दी गई है, और उससे काफ़ी सुधार हुआ है। और आप देख रहे हैं लगातार हम लोग पूरी स्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। जिन जिन स्कूलों में, जैसे जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में मिले थे तो उनको 14 दिन के लिए बंद कर दिया था, और भी स्कूलों में जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं, लेकिन 4-5 स्कूलों में जहाँ जहाँ आए थे उनको हमने, उन स्कूलों को 14 दिन के लिए बंद कर दिया, और विद्यालय के जो हेड मास्टर्स हैं या अथवा प्रिंसिपल्स हैं उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि कोरोना पॉजिटिव आने पर तत्काल स्कूल को बंद कर दिया जाए। जी
सर अगर बात करें सरकारी शिक्षा की, अगर बात करें क्योंकि सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी की बात करें, तो वहाँ पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा सुधरा है। अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया जाएगा आगे? ये सरकारी स्कूलों में हमने, जैसे मैं पूर्व में जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने पहली क्लास से लेकर तीसरी कक्षा तक अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की थी। उसी फाइल में मैंने लिख दिया था कि जब ये बच्चे तीसरी क्लास में आ जाएंगे तो चौथी और पाँचवीं से भी अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी पार्टी की सरकार नहीं रही, उन्होंने 5 वर्ष से कोई काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी को, उन्होंने मेरी फाइल को पढ़ा और उन्होंने तुरंत चौथी और पाँचवीं से भी अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर दी। और अभी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं उससे और राजस्थान की गवर्नमेंट की स्कूलों में सुधार होने से लगभग 10 लाख नामांकन सरकारी स्कूलों में बढ़ा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ड्रॉप आउट्स कम हुए हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब प्रबंधन समितियों को हम और मजबूत कर देंगे, इफेक्टिव बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों का क्रेज दिल्ली से भी अच्छा राजस्थान। ये सर आपने अभी अभी जो बात कही इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, जो अभी शुरू किया है हाल ही में, ये आपको क्या लगता है कितने ज़्यादा प्रभावी होने वाले हैं आने वाले दिनों में? आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि 5,000 की आबादी वाले जो भी गांव हैं, कस्बे हैं और जो शहर हैं, उनमें वार्डों का क्लस्टर बना करके कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल हम शुरू करें, ताकि इसके माध्यम से विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों की तरह इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकें। हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ट्रेन टीचर्स हैं और फुल्ली पेड हैं। ऐसी स्थिति में इंग्लिश मीडियम के हमारे स्कूल जो हैं बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं और इसके माध्यम से हमारे यहाँ नामांकन बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा। सर क्योंकि आप शिक्षक रहे हैं और जो शिक्षकों की पीड़ा है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको बखूबी जानते हैं, तो एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगी, जो सबसे बड़ा प्रश्न है आज का भी और प्रदेश में, बहुत से लोग इसका जवाब चाहते हैं कि प्रदेश में थर्ड ग्रेड टीचर्स जिनको तबादला नीति का इंतज़ार है, वो आखिर उनकी जो मुराद है वो सरकार कब पूरी करेगी? तबादला नीति का प्रारूप अधिकारी स्तर पर बनकर और आगे बढ़ रहा है। जैसे ही मेरे पास आएगा मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के पहले पहले, यानी जनवरी माह के अंत से पहले पहले शिक्षा से संबंधित स्थानांतरण नीति हम जारी कर देंगे। क्योंकि सर इसमें आवेदन भी 25,000 जब आवेदन के लिए बोला गया था कि इन्हें भरा जाए, उस पर भी 2.25 लाख आवेदन भरे गए थे, लेकिन उसका अभी तक कुछ सामने नहीं। स्थानांतरण नीति बनाने के लिए तभी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देश दिए थे। मेरी ये कोशिश है कि मैं जनवरी एंड से पहले पहले स्थानांतरण नीति लेकर के आ जाऊँगा। सर अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो विभाग में करप्शन भी एक बड़ा मसला है सर, क्योंकि अगर सीएम साहब की बात करें तो उन्होंने भी इस पर रायशुमारी की थी, लेकिन आप कैसे इसको निश्चित करेंगे कि आगे ये चीज़ें ना हो, आगे इन चीज़ों की ना देखी जाए ये चीज़ें? देखिए मॉब मेंटेलिटी एक अलग होती है, लेकिन मैं तो खुद 9 वर्ष तक इस विभाग को अलग अलग समय में निभा चुका हूँ और कई तो लोग अफवाहें फैला देते हैं, बाकी मैं समझता हूँ कि मैं पूरी पारदर्शिता के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो मेरा अनुभव है उसको झोंक दूंगा और कोशिश करूंगा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो और जो जेन्युइन केस हैं उनको रिलीफ मिले। सर बीते कुछ दिनों में बड़ी परीक्षाएं हुई प्रदेश में, रीट की बात करें, पटवारी की बात करें, बड़ी परीक्षाएं, बहुत से अभ्यर्थी जुड़े इस परीक्षा में, लेकिन जो नकल हुई उस वजह से कुछ हद तक जहां उससे चिंता बढ़ी है प्रदेश में, जो अभ्यर्थी हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए भी हुई है, तो ऐसे में जो प्रतियोगी परीक्षाएं में पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया जाएगा सर? देखिए मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से जो विरोधी लोग हैं उन्होंने एक तरीके से विरोध के लिए विरोध किया, लेकिन कोई कॉन्क्रीट केस जो हैं वो सामने अभी तक नहीं आए हैं और जो आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मास कॉपिंग नहीं हुई है, ना कोई इस तरह का पर्टिकुलर हमारे पास में अभी तक, मैं जब से बना हूँ मेरे पास तो एक भी शिकायत इस प्रकार की आई नहीं है, और यदि कोई आएगी और तथ्यों के ऊपर आधारित होगी तो उसका परीक्षण कराएंगे। कुल मिलाकर रीट की परीक्षाएँ बहुत शानदार तरीके से हो गई हैं और उनके रिजल्ट जो हैं, एक आधा कोई कोर्ट केस है उसका निर्णय हो जाएगा तो तत्काल हम सेलेक्शन लिस्ट आने के बाद काउंसलिंग करके उनकी पदस्थापना कर देंगे।
सर, शिक्षा विभाग में संविदा कर्मियों के नियमित होने की मांग भी बहुत पुरानी है, ये आप भी जानते हैं, तो इससे लेकर ये क्या होगी, कब पूरी होगी, इस पर जानकारी चाहूँ सर। जो संविदा कर्मी हैं उसके लिए मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और हमारी कमेटी के राय के अनुसार एक बार माननीय पूर्व मुख्य सचिव ने डीबी गुप्ता जी ने एक सर्कुलर निकाला था, न केवल शिक्षा विभाग बल्कि राजस्थान के तमाम विभागों में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको एक तो उम्र में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, दूसरा 30% बोनस अंक देके जो नए लोग भर्ती हो रहे हैं उनके साथ उनको लेंगे और उनको जो पुराने संविदा पे काम कर रहे लोग हैं उनको बोनस अंक देकर उनको नियमित किया जाएगा। बोनस अंक देने का काम पैरामेडिकल स्टाफ की और जब सिलेक्शन हुआ था तो उसमें कर दिया गया है, 10,000 संविदा कर्मियों को उसमें नियमित कर दिया गया है। और कल ही हमारी जो कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में संविदा कर्मियों के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है, वो शीघ्र सबके सामने आएंगे और मैं समझता हूँ कि उससे संविदा कर्मियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सर, शिक्षा विभाग में क्योंकि आप पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और दोबारा हाल ही में शिक्षा मंत्री पद पर दोबारा आए हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग में नए विचारों को लेकर क्या योजना है कि कुछ अलग आपके कार्यकाल में देखने को मिले? मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें विद्यार्थी जो पढ़ता है उसकी हर महीने अभिभावक और अध्यापक की मीटिंग हो ताकि बच्चे घर पे क्या करते हैं, घर पे क्या करना चाहिए, स्कूल में उसकी पढ़ाई कैसी है, एक तो इसको मैं सुनिश्चित करूंगा। दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित करूंगा, खेलकूद, योग, जूडे, कराटे, इसमें हमारे टीचर्स जो प्रशिक्षित हैं उनका उपयोग लूँगा और जो नई प्रशिक्षित है उनको प्रशिक्षित करवा के उनको इस दिशा में आगे प्रवृत्त करूँगा। इसके अलावा मेरी ये कोशिश रहेगी कि बच्चे केवल किताबी ज्ञान प्राप्त न करें, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें, नैतिक शिक्षा का एक तरीके से वहाँ पर विकास हो और हमारे बच्चे जो हैं आने वाले समय में चरित्रवान बने, हमारे बच्चे जो हैं अच्छे नागरिक बने और उसके साथ साथ बच्चे जो हैं अच्छे नागरिक बनकर देश के प्रति समर्पित रहें। ऐसे जो हमारे पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का पूरी तरफ से हमारे टीचर्स जो है अध्यापन का कार्य, शिक्षण का कार्य करें, समय समय पर अध्यापकों की भी जो है रिफ्रेशर कोर्स वगैरह जो हैं नए नए फिजिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बॉटनी में या अलग अलग विषयों में जो भी नए नए डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हमारे टीचर्स जो हैं वो जानकारी रखें ताकि बच्चों को अधुनातन ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कई नवाचार करेंगे, उन नवाचारों के माध्यम से हर साल बच्चे का कम से कम 2 बार शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण हो और कुल मिलाकर के मतलब स्कूल का प्रबंधन ऐसा हो जिससे सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का क्रेज़ बढ़े। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अभी हाल ही में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं बच्चों की शुरू हुई हैं, ऐसे में क्योंकि अगर आगे ऐसी स्थिति आ जाती है कोरोना की वजह से, किसी वजह से, तो एक तरह से अहम हो जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा क्योंकि इन्हीं आधार पर नंबर भी आगे दिए जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक बच्चों की परीक्षाएँ शुरू हो चुकी हैं लेकिन पाठ्य पुस्तक अभी तक नहीं आई है बच्चों की, और जो नंबर हैं वो आगे किस आधार पर दिए जाएंगे? देखिए, पाठ्य पुस्तक तो केवल एक चित्रकला और एक जैसे एक आधे पुस्तक की नहीं है, उनका एक बार अभी प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा, वो एक्चुअली NCERT की तरफ से किताब नहीं आई है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, तो अभी हम उनको जो प्रैक्टिकल सिखाया है उससे इम्तहान ले लेंगे और जब किताब आ जाएगी तो किताब के माध्यम से उसकी परीक्षा ले लेंगे। एक आधे विषय की प्रॉब्लम है, मैं जब से आया हूँ एक एक समस्या के प्रति भिज्ञ हूँ और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मेरी पूरी चेष्टा है। प्रदेश में सर अगर कई कॉलेजों की बात करें, संस्कृत एजुकेशन की बात करें, तो 80% पद हैं जो खाली हैं और ऐसे में जो उनका नामांकन है वो भी घट रहा है, तो ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी रीट की जो परीक्षा हुई है उसमें हमको लगभग 30,000 अध्यापक मिलेंगे, तो उन 30,000 अध्यापकों की काउंसलिंग करके जहाँ जहाँ रिक्त पद हैं उनको हम भरने का प्रयास करेंगे और संस्कृत शिक्षा में भी यदि कोई अलग से जो रिक्त पद हैं उनके लिए जो भी करवाना होगा हम उपाय करके उन पदों को भरने की चेष्टा करेंगे। सर, एक ये भी बात सामने आ रही थी कि पद रीट की बात ही हुई है तो पद भरने की भी बात सामने है कि 30,000 से 50,000 तक भी जा सकते हैं पद, इसके बारे में क्या कहेंगे? पद बढ़ाने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से विद्यार्थियों की वार्ता हुई है तो विद्यार्थी
वो जो समस्या का समाधान निकाल के देंगे उसके अनुसार कार्रवाई कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी हमें देखा जा सकता है, शायद हो सकता है कि पद भर जाएं रीट के। ये मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे हाथ में नहीं है ये। जी सर, एक सवाल मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगी कि जनरली अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो आप, अगर आपको सही लगे कि स्कूली जो मतलब स्कूल होती है उसको बच्चे का दूसरा घर कहा जाता है, टीचर्स होते हैं उनको बच्चे के दूसरे अभिभावक कहा जाता है, तो ऐसे में अभिभावक संघों की कहाँ ज़रूरत है? क्योंकि अगर, क्योंकि इससे ये साफ भी दिखाई देती है चीज़ें भी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है, इसी वजह से अभिभावक संघों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अभिभावक संघ प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के ख़िलाफ़ नहीं है। कई बार जैसे कोविड पीरियड में बच्चे फीस नहीं दे सके, और फीस नहीं दे सके तो उनको मतलब क्या इम्तहान में नहीं बैठने दे रहे, तब अभिभावक संघ हमसे आगे मिलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सरकारी स्कूलों के ख़िलाफ़ अभिभावक संघ नहीं है, और मैं तो प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट के लोगों से भी ये कहूँगा, कोविड पीरियड में जो दे सकता है उसको उसे लेना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि परीक्षा से किसी को भी वंचित नहीं किया जाए। हम प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट की समस्याओं को भी समझते हैं, लेकिन जो बहुत गरीब हैं, बहुत जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, उनका मतलब अपनी स्थिति को देखते हुए जितना उनको सहयोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए। सर, एक सवाल मैं शिक्षा विभाग से परे हट के भी पूछना चाहूँगी कि बीते तीन साल पूरे हुए हैं जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसको लेकर क्या उपलब्धियाँ रही सरकार की, सरकार की कुछ उपलब्धियाँ रही या जैसा कार्यकाल रहा उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, उच्च शिक्षा विभाग में लगभग 123 कॉलेज खुले हैं जो 20-20 साल में नहीं खुले। लड़कियों के कॉलेज खुले हैं, महिला छात्रावासों को बढ़ाया गया है, इसी प्रकार 3000 मेगावाट बिजली 3 वर्ष में पैदा हुई है, यानी नई 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादित होना अपने आप में रिकॉर्ड है। 5 साल बीजेपी के राज में नहीं हुआ था, जो काम हमने 3 साल में कर दिखाया। इस साल हम लगभग 20 लाख घरों में जल कनेक्शन दे रहे हैं, और 2024 के अंत तक हम लगभग 1 करोड़ परिवारों को मतलब जल कनेक्शन दे देंगे। इसी प्रकार हर विभाग में कोविड का मैनेजमेंट आपने देखा बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। कोविड मैनेजमेंट में न केवल राजस्थान के रोगियों का बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आस पड़ोस के जो प्रदेश हैं उनके लोगों का यहाँ इलाज फ्री में हुआ। अब मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना आई है, उसमें 5 लाख तक का कैशलेस इलाज है 3.5 करोड़ लोगों का। लगभग 3000 करोड़ रुपया जो है सरकार ने जमा कर दिया है, तो उनको तो एक पैसा जमा नहीं कराना पड़ेगा। और जो इनकम टैक्स देते हैं अथवा जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको मात्र 850 रुपये उनको देने हैं, 850 रुपये सरकार देगी, और उसके बाद आप देखना कि वो भी 5 लाख रुपये का इलाज एक साल में कैशलेस करा सकेंगे। तो एक तरीके से राजस्थान को रोग मुक्त करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभावी योगदान दिया है। अभी 18 तारीख और 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी 12,000 करोड़ की विकास की योजनाओं का एक साथ शिलान्यास अथवा लोकार्पण करेंगे, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। हर विभाग ने उन्नति की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से पता लगता है कि वो प्रदेश कितना आगे बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में खासतौर से सड़कों का विकास, नहरों का विकास, खेतों में पानी, इरीगेशन का पोटेंशियल सृजन करना, आपके बिजली कितनी पैदा की है, इनमें राजस्थान अव्वल नंबर पर है। और मैं समझता हूँ कि इन 3 वर्षों में कोविड पीरियड होते हुए भी जो डेवलपमेंट का काम हुआ है वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जी सर, सर आने वाले 2 साल क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आने वाले 2 सालों में विभाग का क्या ऐसा रोडमैप तैयार होगा जिससे शिक्षा विभाग और फले या फूले? एक तो हम शिक्षा का विस्तार करेंगे, जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल हमारे नहीं हैं उन वहाँ प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, और ख़ास तौर से महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देंगे। इसी प्रकार महिलाओं को जूडो कराटे वगैरह सिखा करके उसमें एक तरीके से उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रबंधन किया जाएगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चों का सरकारी स्कूलों के माध्यम से ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यानी हर तरीके से बच्चा जो है सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़े। सर, एक सवाल मैं आपसे, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, वन नेशन
वन एजुकेशन वन सिलेबस, आप इसके पक्षधर है कि सो पूरे देश भर में सामान्य पाठ्यक्रम लागू हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? संबंध में राजस्थान आगे बढ़ा है, हमने काफ़ी जगह NCERT के कोर्सों को अडॉप्ट किया है और राजस्थान, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ भारत सरकार को जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी एक जैसा कोर्स होना चाहिए ताकि ये दूरी शिक्षा जो हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। भारत सरकार का काम है क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, उसके लिए कानून राज्य सरकारें भी बनाती हैं, केंद्र सरकार भी बनाती है, तो भारत सरकार को चाहिए कि वो सारे देश में एक जैसी शिक्षा देने के लिए उपाय करे। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी, जिन्होंने आने वाले 2 साल के लिए जो शिक्षा विभाग का रोड मैप है उसके बारे में भी बात की और क्या नए विकास हो रहे हैं उस पर भी हमसे चर्चा करी। आप बने रहिए खबरों के लिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।